दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। बड़े मशहूर कवि हिंदी के हरिवंश राय बच्चन, किसी ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। हरिवंश राय बच्चन हिंदी के कवि थे लेकिन अंग्रेजी के प्रोफेसर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। उनकी एक बड़ी मशहूर कविता नहीं आत्मकथा है, गद्य, उसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। मुझे अचानक आज एक कार्यक्रम करने से पहले वो याद आने लगी। मेरे सामने भी आज समस्या है कि मैं क्या छोड़ूं क्या लूं। आज की इस चर्चा में मैं किन विषयों को लूं और किन को छोड़ूं। हमारी मौजूदा सरकार अपने देश की जनता पर सवालों के, परेशानियों के, तकलीफों के इतने तीर छोड़ती रहती है। जिस जनता ने उसको चुना है उसी जनता पर उसको तबाह करने वाले, इतने उसको परेशानी में डालने वाले, उसको असमंजस में डालने वाले इतने सारी समस्याओं के तीर छोड़ती है कि यह बहुत मुश्किल है किसी न्यूज़मैन के लिए कि वो क्या समझे कि कौन सबसे प्रमुख है। लेकिन दोस्तों, मैं तमाम परेशानियों, तमाम मुसीबतें जो जनता की हैं उनके बीच जो सबसे बड़ी चीज आज है महामारी की, हम उसी को फिर उठाते हैं। और आप देखिए कि COVID-19 से इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या है वो है टीके की अनुपलब्धता, यानी वैक्सीन की भयानक कमी। तो ये जो वैक्सीन क्राइसिस जो पैदा हुआ है अपने देश में वो क्यों है, कैसे है। लेकिन दोस्तों, हम इस पर बातचीत करने से पहले, और किसान आंदोलन का आज छठा महीना यानी 6 महीना पूरा हुआ है, जिस किसान आंदोलन को 6 दिन में जिसका समाधान होना चाहिए वो 6 महीना हो गया। दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा लोकतांत्रिक किसान आंदोलन आज तक कभी नहीं हुआ। हम उस पर भी टिप्पणी करेंगे, लेकिन पहले आप ये 2 तस्वीरें देखिए। ये जो पहली तस्वीर है वो मेक इन इंडिया का लोगो है, प्रतीक चिन्ह है, लायन सिंह है। और ये जो लायन है आजकल बिल्कुल गायब है, पता नहीं किस जंगल में चला गया, कहां गुमनाम हो गया, उसका पता ही नहीं चल रहा है। और जो दूसरी तस्वीर है, हमारे विदेश मंत्री जो संयोगवश हमारे विश्वविद्यालय के सीनियर भी हैं हमसे, ये उनकी तस्वीर है, बहुत योग्य आदमी है। वो विदेश यात्रा पर हैं और विदेश यात्रा का पर्पज उनका है, अमेरिका में है, कि कैसे वैक्सीन को उपलब्ध कराया जाए। अच्छी बात है, उपलब्ध तो करानी ही चाहिए जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो। लेकिन मेक इन इंडिया का क्या हुआ कि वैक्सीन भारत में न बनकर हम अब उसके लिए भिक्षाटन करने को मजबूर हो गए हैं, विश्व गुरु का भिक्षाटन। अब आप कहेंगे कि आप मजाक कर रहे हैं, विश्व गुरु हमें बता रहे हैं। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, विश्व गुरु जो भी कहा करते थे, जिन्होंने आज भारत को दयनीय परिस्थितियों में डाल दिया है, दया का पात्र बना दिया है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि मैं सच बोल रहा हूं, वैक्सीन के मामले में, टीके के मामले में भारत सचमुच विश्व गुरु था। और यह 7 साल के दरमियान नहीं हुआ था, यह 100 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटिश हुकूमत के समय। और 1932 में सबसे पहले जो वैक्सीन की जो यूनिट हमारे यहां थी उसको पहला भारतीय निदेशक मिला था, साहिब सिंह शेखों। और तब से हॉस्किन उस कंपनी का नाम रहा है। और मुंबई से लेकर चेन्नई तक आज न जाने कितनी ऐसी यूनिट्स हैं, पुणे, तमाम जगहों पर, जो वैक्सीन बनाने के का काम करती रही हैं। ऐसे मुल्क में वैक्सीन का सचमुच जो विश्वगुरु भारत है उसको वैक्सीन के लिए दरिद्र बना दिया गया है, भिक्षा लेकर भिक्षाटन हम कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि ऐसा क्यों, ये सवाल है। लोगों को मालूम नहीं है कि पूरी दुनिया में
जितने टीके की डिमांड होती थी, वैक्सीन की जो रिक्वायरमेंट होती थी, उसका 60% सिर्फ भारत पूरी करता था हाल तक। तो आखिर हो क्या गया? 60% पूरी दुनिया को वैक्सीन देने वाला भारत आज अपने लोगों को वैक्सीन नहीं दे पा रहा है। वो कभी फाइजर के पास सर नवा रहा है, कभी मोडर्ना को, कभी कोविशील्ड की बात कर रहा है जो एस्ट्राजेनेका की उत्पाद है और सीरम इंस्टीट्यूट में बनता है, और सीरम इंस्टीट्यूट एक प्राइवेट कंपनी है, और ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है यह भी हमारी सरकारी कंपनी से जो लोग लिए गए, एक तरह से हायर किए गए, उनके बदौलत ये खड़ा हुआ। और दोस्तों, हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, उनके रोल को मिनिमाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट पर हमने इतनी निर्भरता जताई, उसको विजिट किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, रंगारंग फोटो चित्र दिखाए गए, बायोटेक, भारत बायोटेक पर हमने निर्भरता जताई, लेकिन क्या वजह है कि अपनी 50 जो यूनिट्स हैं वैक्सीन बनाने की, वही बायोटेक का जो फार्मूला जिसमें हमारी सरकारी जो संस्थाएं हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से लेकर और पुणे की हमारी जो संस्था है जो जो वायरल वायरस के मामले की स्टडी करती है, इन सब ने उसमें कोलैबोरेट किया था। तो फिर आखिर उसी फार्मूले पर हम क्यों नहीं वैक्सीन 50 कंपनियों में बनवा सकते थे, 50 बल्कि प्राइवेट को भी अगर जोड़ दिया जाए जिनके साथ हम कोलैबोरेट कर सकते थे, हम डिक्टेट कर सकते थे कि इस समय देश पर संकट है, सबको बनाना होगा सरकारी आदेश पर, और आप सरकारी जो कंपनियां हैं उनसे आप लीजिए फार्मूला, उनसे गाइडेंस लीजिए और आप उत्पादन शुरू कर दीजिए, लेकिन हमने वो काम नहीं किया। जिद, घमंड और अज्ञान, ये तीनों जब कन्वर्ज कर जाते हैं तो तबाही का आलम शुरू होता है। एक तो अपने आप महामारी का की तबाही, और दूसरी तरफ ये जो चीजें कन्वर्ज हुई, इन्होंने भारत को वाकई परेशानियों के पूरे जंजाल में डाल दिया। जो वैक्सीन हमारे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए थी, आज उसका कितना दाम वसूला जा रहा है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोग बताते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट जो उत्पाद जो उसका है उसकी लागत कितनी है और वो कितना दाम में बिकता है। हम उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम फाइजर के पास जा रहे हैं, मोडर्ना के पास जा रहे हैं, जॉनसन जॉनसन के पास जा रहे हैं, लेकिन अपना बनाने के लिए हम तैयार नहीं है। तो विश्व गुरु का ये जो भिक्षाटन है वो दरअसल हमारी नीतियों और हमारी नियत में खोट के चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। और दोस्तों, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत महत्वपूर्ण है, और यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के जो विशेष दूत हैं COVID-19 संक्रमण को लेकर, उनका नाम है डेविड नबारो, इन्होंने भी कही है कि टीका जो है, वैक्सीन जो है, आज की तारीख में भारत जैसे मुल्क के लिए, बात सही है कि बहुत जरूरी है, हम अपने देश की जनता की उससे रक्षा कर सकते हैं, खासकर मौतों पर कंट्रोल कर सकते हैं, जो लोग जिनकी मौत हो रही है हम उनकी संख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन टीका इस महामारी का अंतिम समाधान नहीं है, एक बहुत महत्वपूर्ण कारगर उपाय है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो WHO के विशेषज्ञ ने भी कही है, अपार्ट फ्रॉम टीका, अपार्ट फ्रॉम वैक्सीन, वो ये कि हम अर्ली डिटेक्शन पर ध्यान दें, यानी किसी को संक्रमण हुआ है कि नहीं हुआ है इसकी पहचान, इसको चिन्हित करें, जांच। दूसरी बात कि टाइमली आइसोलेशन, कि अगर किसी व्यक्ति की पहचान हो जाती है कि वो वाकई इन्फेक्टेड है तो हम उसको आइसोलेट करें दूसरों से। और तीसरी बात है इफेक्टिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, प्रभावशाली ढंग से हम इस बात का पता लगाएं कि आखिर किसी व्यक्ति का संक्रमण जो है वो किन कारणों से कहां से हुआ है, और ये वो चीज है जिससे कि हम संक्रमण के फैलाव को रोक सकते हैं। लेकिन हमारी जो हुकूमत है,
उसने क्या किया है, उसने इन तीनों को, खासकर मैं हिंदी जो क्षेत्र है उनके बारे में कह सकता हूं, आई मीन इसमें कोई दो राय नहीं है कि साउथ के जो प्रदेश हमारे हैं उन्होंने बेहतरीन काम किया है, काफी हद तक अपेक्षाकृत शानदार काम उन्होंने किया है कि इन चीजों को WHO के जो रिकमेंडेशंस हैं काफी अच्छे ढंग से लागू किया ज्यादातर प्रदेशों में, यहां तक कि महाराष्ट्र का जो काम है वो भी कमाल का है। और मुंबई में तो मुंबई की जो महानगर परिषद है, बृहत नगर पालिका है, उसने तो चमत्कार किया है और उसको सैल्यूट किया जाना चाहिए। जो मैंने डिटेल उनके काम के देखे हैं बेहतरीन काम उन्होंने किया है। केरल और महाराष्ट्र की, खासकर मुंबई की जो संस्था है, केरल की जो का जो शासन है वो, और तमिलनाडु वगैरह की बात, मुंबई में बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन आप अगर उत्तर प्रदेश, बिहार या इस तरह के जो प्रदेश हैं इनकी हालत देखिए, मध्य प्रदेश, तमाम इस तरह के प्रदेश, हालत बहुत खराब है, इतनी खराब है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हम न सिर्फ मौतों को छुपा रहे हैं, न सिर्फ हम आंकड़ों की जालसाजी कर रहे हैं, बल्कि हम लोगों को डिटेक्शन नहीं हो रहा है टाइम पर। हम कोरोना की टेस्टिंग को लगभग बंद करा चुके हैं या उसको स्थगित कर चुके हैं, या बिल्कुल कभी कभी होता है जब जरूरत के हिसाब से, और वो भी संख्या कम दिखाई जाती है, कहा जाता है कि आप घर पे रहिए ठीक हो जाएंगे, और रिपोर्ट जो है कब आएगी कोई ठिकाना नहीं। कई बार तो 10-10, 15-15 दिन, कई बार तो लोगों के मरने के बाद रिपोर्ट आ रही है। मेरे पास ऐसे भी ठोस प्रमाण है, कागजी सबूत है कि मरीज मर गया, 17 दिन के बाद रिपोर्ट आई कि आप डिटेक्ट हुए हैं कि आपको कोरोना हुआ था। तो ये हालात जिस मुल्क में है, आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे चीजों को संभाला जा सकता है। तो मेरा सवाल दोस्तों यही है आप इस समय, कि जिसने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, आखिर वो इतने बुरे दिन भारत की जनता को क्यों दिखाए? और दोस्तों ये सिर्फ COVID-19 के कारण नहीं, COVID-19 के दौर की कहानी नहीं है। बीते 7 सालों में आप देखिए लोगों को क्रमशः तबाह किया गया। जब किसानों को तबाह किया जा रहा था, जब उनको बर्बाद किया जा रहा था 3 कृषि कानूनों से, तो दूसरे तबकों ने समझा कि ये तो उनकी लड़ाई है, हम क्यों करें। लेकिन उन्होंने समझा नहीं, क्योंकि उनके दिमागों को टेलीविजन चैनलों के जरिए प्रदूषित कर दिया गया था कि नहीं ये बड़े अच्छे कानून है। उनको नहीं समझ में आने दिया गया कि ये कॉरपोरेट के लिए है, ये देश की बड़ी कंपनियों और विदेशी कंपनियों के लिए हैं। किसान चिल्लाते रहे, चीखते रहे, 6 महीने से वो सड़क पर हैं। इसी तरह से नौजवान, देश के तमाम विश्वविद्यालय के छात्रों को बर्बाद किया गया, उनको तबाह किया गया, जेलों में भर दिया गया छात्रों, युवाओं को। कोई ऐसा मोर्चा नहीं, मजदूरों को आप देख लीजिए क्या हालत है। और अब तो COVID-19 के दरमियान सारी की सारी इंडस्ट्री तबाह। हम कितने वर्ष, कितने दशक पीछे गए हैं, कितने डिकेड्स पीछे चले गए, इसका कोई हिसाब नहीं है। कहां था अच्छे दिन आएंगे, अब तो लोग कहेंगे कि बुरे दिन लौटा दो भाई। तो बिल्कुल आखिर में चलते चलते दोस्तों, कि दरअसल ये नीतिगत जो ब्लंडर्स हैं और जो नियत का खोट है, ये दोनों के मिलन से ये पूरी की पूरी दुखांत कथा तैयार हुई है। ये जो हमारे देश की ट्रेजेडी है, इन दोनों की देन है। दोस्तों हम गलतियां करते हैं, लेकिन अगर उनसे सबक नहीं लेते, बार बार उनको रिपीट करते हैं। प्रसार रोकना था, फैलाव रोकना था अगर COVID-19 का, तो उसके लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन हम तो कुंभ मनाने में लगे थे, और उस कुंभ के कारण कितनी तबाही मची, इसके सबूत मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड, और उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड, बंगाल से लेकर उड़ीसा, हर जगह मौजूद हैं, आप खोज लीजिए। हम इलेक्शंस कराते रहे, इलेक्शन भी तरीके से कराए जा सकते थे, लेकिन हम बड़े बड़े रोड शो, बड़ी बड़ी रैलियां, सब कुछ कराते रहे, और अब फिर इलेक्शन की तैयारी की जा रही है। खतरनाक स्थितियां हैं दोस्तों। इलेक्शन अगर होने की बात हो तो इस पर विचार किया जाना चाहिए कि इलेक्शन कैसे हो, ताकि कोई भीड़ ना हो,
सिर्फ उत्तर प्रदेश के पंचायती राज चुनाव ने उत्तर प्रदेश को तबाही के एक भयानक मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।